हाय दर्शक, आमी ये आली, अपनी देखें यूट्यूब बांगला टेन। चलो आगे बढ़ा जाक, भिडियोटा एकटू अन्य रकम होते चले। अर्णव गो आसामी जेले रयेछे, केंदे भासालेन एक युवक। भिडियोटा मनोयोग सहकारे देखुन। आप लोग सोच रहे हो कि क्यों रो रहा हूं मैं? पानी नहीं पिया सुबह से मैंने आज। अर्णव गोस्वामी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, इसलिए थोड़ी पानी नहीं पिया। बेचारे अर्णव गोस्वामी को हमारा अर्णव, तुम्हारा अर्णव, सबका अर्णव पुलिस उठा के ले गई। ये कोई तरीका है? अर्णव चला गया, उठा ले गई पुलिस। अब बताइए, रोज शाम को भारत किससे पूछेगा? कौन शाम को चीखेगा? कौन चिल्लाएगा? कितना अच्छा अच्छा पूछता था। सलमान खान, कहाँ हो तुम? किधर छिपे हो? बाहर आओ। अब ये सब कौन पूछेगा? ए उद्धव, उद्धव मेरे सामने बैठो। ये सब कौन बोलेगा? अर्णव, मुंबई पुलिस के ऊपर आज इतना गुस्सा आ रहा है। मुंबई पुलिस, तुमने अच्छा नहीं किया, हम लोगों के अर्णव को उठा लिया। अब हम लोगों की शाम कैसे गुजरेगी? अब तो आईपीएल भी खत्म हो रहा है। अर्णव चीखता था, चिल्लाता था, उछलता था, कूदता था, हम सब लोगों की शाम गुजर जाती थी। ये कोई तरीका है? सुबह सुबह 6 बजे इतनी जल्दी बाई नहीं पहुंचती जितनी जल्दी पुलिस वाले पहुंच गए। अरे दूध वाले नहीं पहुंचते, पेपर वाले नहीं पहुंचते, पुलिस वाले पहुंच गए और उठा ले गए। उसको बाथरूम में सुसु भी नहीं करने दिया, बाथरूम में ही सुसु करने देते। बेचारे को ऐसे ही लेके गए। अब पता नहीं कहाँ जाके करेगा वो, कम से कम फ्रेश तो हो जाने देते। उठा ले गए उसको। अब बताइए, कौन चीखेगा, कौन चिल्लाएगा? अब दूसरों का माइक नीचे करके कौन गला फाड़ेगा? दूसरों का माइक कौन बंद करेगा? बाकी जो उसके मदारी टाइप के जो रिपोर्टर थे, जो साइकिल गोल 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 घुमा करके ऐसे ऐसे चीखते थे, चिल्लाते थे, एक वो और जो था ना उनका रिपोर्टर, मैं पूछता हूँ, मैं बताता हूँ, ये लोग हैं परमजीत, ये जो मदारी जैसा उछलता था, अब कौन डमरू बजाएगा उनके लिए? मुंबई पुलिस, तुमने अच्छा नहीं किया, हम सबके अर्णव को उठा लिया। क्या गुनाह था उसका? लोगों को इंसाफ बांटता था, ये गुनाह था? सिर्फ इसके लिए उठा लिया? इंसाफ बांटता था, इसकी वजह से अर्णव के इतने सारे दुश्मन हो गए थे, विरोधी हो गए थे, और ये सब विरोधियों ने किया है। इसी में से एक विरोधी वो था आर्किटेक्ट, जिसने अर्णव के स्टूडियो का करोड़ों रुपए का काम किया था, अर्णव ने जिसका पैसा दबा लिया था, नहीं मतलब दबाया नहीं था, उसका पैसा दे देता, अब तो छाप रहा था अर्णव, दे देता, लेकिन उसको देखो, वो भी विरोधी था आर्किटेक्ट, उसको मरने की जल्दी पड़ी थी, थोड़ी देर रुक नहीं सकता था भाई, मरने की जल्दी थी वो ठीक है, लेकिन सुसाइड नोट में हमारे प्यारे दुलारे इंसाफ के पुजारी अर्णव गोस्वामी का नाम उस सुसाइड नोट में लिखने की क्या जरूरत थी? सब लोग मिले हुए हैं, इन सब लोगों ने मिलके हमारे अर्णव को अंदर करवाया है। लेकिन अर्णव, तुम घबराना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताइए, पुलिस ने इतना टॉर्चर किया? आज तक किसी को इतना टॉर्चर नहीं किया, किसी पुलिस ने किसी को टॉर्चर नहीं किया है। अर्णव गोस्वामी का 1.5 घंटे तक पुलिस दरवाजा पीटती रही, पीटती रही, पीटती रही। अर्णव अपने घर के अंदर बैठा बैठा कितना टॉर्चर हुआ होगा। फिर ये पुलिस वाले अंदर घुसे और अंदर घुस के 15 मिनट तक, प्लीज अर्णव कोऑपरेट विद अस, प्लीज अर्णव, प्लीज अर्णव कोऑपरेट विद अस, ऐसा कह कह के 15 मिनट तक अर्णव को टॉर्चर किया इन लोगों ने।
ये टॉर्चर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, सब लोग देख रहे हैं। अर्नब तुम भले ही जेल चले जाओ, लेकिन 130 करोड़ लोग दिल से तुम्हें गरियाते रहे, मतलब जिन्होंने तुमको अरेस्ट करवाया है उनको गरियाते रहेंगे। अर्नब के समर्थक हम सब जितने हैं पूरे हिंदुस्तान में, अब इनके आंसू पोंछता है भारत। अर्नब बस इतना ही कहना है, तुम जहां रहो सुखी रहो। हाँ, तुमने हम लोगों का बहुत इतने दिन तक ख्याल रखा है, दिल से आशीर्वाद है अर्नब।